रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन नंबर 8.1 दिया है। क्वेश्चन सेज असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू द अंडरलाइन एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। यहाँ पे अगर आप देखें तो कई सारे कंपाउंड्स दिए हैं, परंतु ये सभी के सभी कंपाउंड्स आपके हैं न्यूट्रल कंपाउंड्स। और न्यूट्रल कंपाउंड्स में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सभी के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप ऐड करेंगे तो वो हमेशा जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो इक्वल टू जीरो कर देते हैं भाई, इक्वल टू जीरो। अब देखिए भाई, इसमें बोल रहा है कि अंडरलाइन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है। तो ये इसमें अगर आप देखें तो फास्फोरस अंडरलाइन है, तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें सोडियम, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स हमेशा प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा ये प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो आप प्लस वन कर दीजिए। ठीक है भाई, प्लस सेकेंड एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। ये जो हाइड्रोजन दिया हुआ, ये हाइड्रोजन भाई ये फास्फोरस से अटैच है। ठीक है, ये फास्फोरस से अटैच है। अब ध्यान दीजिए, फास्फोरस है आपका नॉन मेटल, तो जब कभी भी हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल से अटैच होता है, ये प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और जब कभी भी ये हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल से अटैच होता है, मेटल से अटैच होता है, ये माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन जब आपका नॉन मेटल से अटैच है तो ये शो करेगा प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर टू हाइड्रोजन है तो टू ब्रैकेट कर लेते हैं और ये हो गया आपका प्लस वन। ठीक है भाई, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है। फिर इसके बाद में आप देखें तो कितना ऑक्सीजन दिया है, फोर ऑक्सीजन दिया हुआ है, फोर कर दिया, इसको मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ, फोर ब्रैकेट। और ऑक्सीजन की जो नॉर्मल, ये जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये हमेशा माइनस टू होती है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऑक्साइड, पराऑक्साइड, ओजोनाइड, इनमें तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। ये ऑक्साइड है भाई, तो ये ऑक्साइड का ऑक्सीजन दिया हुआ है और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज माइनस टू। सिंप्लीफाई कर लीजिए और फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिल जाएगी। ये प्लस वन है और ये आपका प्लस टू हो जाएगा, प्लस वन प्लस टू। ठीक है, प्लस पी एंड फोर टू जाए एट इज इक्वल टू जीरो। ये प्लस थ्री हो गया, प्लस पी हो गया, माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एट, ये थ्री और माइनस एट इज इक्वल टू पी नाइन, पी नाइन, पी माइनस फाइव मिल जाएगा, पी माइनस फाइव इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू फाइव। यहाँ से आपको प्लस फाइव मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर आप लिखते हैं पी इज इक्वल टू फाइव, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। ठीक है, जब कभी भी आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखें, बोर्ड स्टूडेंट्स आप बहुत ही केयरफुल ये ध्यान दें, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जरूर लिख दें। कोई भी नंबर मिल रहा है उसमें अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन डेफिनेटली मेंशन करें। हालांकि अगर आप देखें पी इज इक्वल टू फाइव, ये भी पॉजिटिव ही है, परंतु आप ये रूल को फॉलो करें, ये पॉजिटिव, ये प्लस साइन आपको जरूर मेंशन करना पड़ेगा, ये इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पी इज इक्वल टू प्लस फाइव, फाइव प्लस का है, नेगेटिव का, ये पार्ट आप मेंशन करें। जीरो के केस में आपको साइन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, अच्छा इसमें आता हूँ मैं, तो इसमें अगर आप देखें अगेन सोडियम, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स ऑलवेज शो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन भी आपका नॉन मेटल से अटैच है, और जब कभी भी हाइड्रोजन नॉन मेटल से अटैच है तो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, प्लस वन कर दिया। प्लस सल्फर की हमें कैलकुलेट करना है, ये फोर ब्रेकर ऑक्सीजन इज माइनस टू, और ये पूरा न्यूट्रल कंपाउंड है, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई कर लीजिए, प्लस वन प्लस वन प्लस टू हो गया, प्लस सल्फर, फोर टू जा एट इज इक्वल टू जीरो, एस माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एस इज इक्वल टू, ये प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। अच्छा भाई, इसमें आते हैं, इसमें अगर आप देखें फोर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन किस तरह के एलिमेंट से अटैच है, देखिए फास्फोरस नॉन मेटल है, अगर नॉन मेटल के साथ में हाइड्रोजन अटैच है तो ये प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो फोर ब्रैकेट प्लस वन कर दीजिए, फास्फोरस कितना फास्फोरस है, टू फास्फोरस है, तो ये टू फास्फोरस कर दिया, प्लस सेवन ऑक्सीजन, सेवन ऑक्सीजन दिया हुआ है, और ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट इज माइनस टू, और ये आपका एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इज इक्वल टू आप जीरो कर दीजिए, जीरो हो गया। सिंप्लीफाई करिए, प्लस फोर प्लस टू पी हो जाएगा, सेवन टू जा फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो, टू पी, ये माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, और ये पी इज इक्वल टू, ये प्लस फाइव मिल जाएगा। सिंबल जरूर आप मेंशन करें, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है भाई, टू पी इज इक्वल टू टेन, देन पी इज इक्वल टू फाइव, प्लस फाइव। ठीक है भाई, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो आपका क्या दिया है भाई, पोटेशियम दिया है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स हैं, और फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स हमेशा प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ठीक है, कितना टू दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, अच्छा ये लाइन खींच करके, टू पोटेशियम है, टू ब्रेकेट प्लस वन। ठीक है, एम एन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैलकुलेट करनी है, कितना ऑक्सीजन है, फोर, तो फोर ब्रेकेट माइनस टू करिए, इज इक्वल टू जीरो हो गया, सिंपल पार्ट।
ये प्लस टू हो गया, ये एम एन हो गया, माइनस एट हो गया इज इक्वल टू जीरो, एम एन माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, और ये मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है प्लस सिक्स हो जाती है। बहुत ही आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए भाई इसके बारे में बात करते हैं। ये आपका ऑक्सीजन है, ये अगर आप देखें तो ये जो ऑक्साइड लग रहा है अपन, एनीवे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ऑक्साइड होता तो केमिकल फार्मूला CaO होता, वाई बिकॉज ऑक्सीजन इज माइनस टू अंश, कैल्शियम इज प्लस टू। ठीक है भाई, अब ये कैसे मुझे मालूम होगी भाई, ऑक्सीजन तो माइनस टू है, तो अगर भाई न्यूट्रल कंपाउंड के बारे में बात करें तो अगर ये माइनस टू तब इसलिए प्लस टू हो जाएगा न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। अब देखिए ये भी आपका न्यूट्रल कंपाउंड ही है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैलकुलेट करनी है, ध्यान दीजिए भाई। ये कैल्शियम है, कौन से ग्रुप एलिमेंट्स है भाई, ये कौन सा ग्रुप एलिमेंट्स है, ये सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स हमेशा प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे किसी भी कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट हो। कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, मालिक्यूल, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपके प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं। सिंगल एलिमेंट है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप प्लस टू कर लीजिए। टू ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की हमें कैलकुलेट करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम प्लग इन नहीं करेंगे इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीजन हो गया 20 जैसे लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ, और ये न्यूट्रल है तो इक्वल टू जीरो कर दिया। ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर आप देखें तो टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा, ऑक्सीजन इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ रही है माइनस वन होती है भाई। अब ध्यान दीजिए ऑक्सीजन कभी भी अगर माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे या ऑक्सीडेशन नंबर शो करे, समझ लीजिए कि वो कंपाउंड ये आपका पराक्साइड है। ये कैल्शियम पराक्साइड दिया हुआ है भाई, ये कैल्शियम पराक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसमें ऑक्साइड में ऑक्सीजन सोज माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, पराक्साइड में ऑक्सीजन सोज माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, दिमाग में रखें। ठीक है भाई, तो ये आपको पराक्साइड दिया हुआ है, पराक्साइड में ऑक्सीजन की माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। चलिए अब इसके बाद में बोरान की बात करते हैं। सोडियम है प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, बी हो गया, अब हाइड्रोजन, ये बोरान ध्यान दीजिए भाई, ये जो आपका बी है तो ये मेटेलिक करेक्टर, मेटेलाइट्स भी बोलते हैं इसका अपन, तो मेटेलिक करेक्टर इसका ज़्यादा है, दे हैव टेंडेंसी टू लूज थ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इनके पास में कितना चार्ज होता है, थ्री चार्ज, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है भाई, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, तो इसमें अगर आप देखें तो ये फोर बॉन्ड बना रहा है ना, तो इस वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डला हुआ है। ठीक भाई, अब ध्यान दीजिए ये आपका मेटल है, अगर मेटल के साथ में हाइड्रोजन अटैच है तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, माइनस वन, नॉन मेटल के साथ में प्लस वन और मेटल के साथ में माइनस वन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको माइनस वन लेना है, तो ये बोरान हो गया प्लस फोर ब्रेकेट, यहाँ पर आप माइनस वन कर लीजिए इज इक्वल टू जीरो। ठीक भाई, तो प्लस वन प्लस बी यहाँ पर फोर इज इक्वल टू जीरो, तो बी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और बोरान की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन इज अटैच टू सल्फर, सल्फर क्या है आपका नॉन मेटल है, तो मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन हो जाएगी, प्लस टू सल्फर प्लस सेवन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये प्लस टू, प्लस टू सल्फर माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो, टू एस इज इक्वल टू प्लस कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 12 हो जाएगा, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 आपको मिल जाएगी। आसान सा हो गया, आप ध्यान दीजिए भाई, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लग रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है नहीं है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है नहीं, यहाँ पर वहाँ पर अगर आप देखें तो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल दिया है, यहाँ पर अगर आप देखें 12H2O लगा हुआ है। ठीक है, पोटेशियम क्या है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल्युमिनियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, ये 13 ग्रुप एलिमेंट्स, 13 ग्रुप एलिमेंट्स प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, हमेशा प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है भाई, तो एल्युमिनियम की प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिख लीजिए प्लस, इसमें अगर आप देखें कितना सल्फर है भाई, SO4 होल ट्वाइस दिया है, तो मतलब टू सल्फर लगा हुआ है, टू सल्फर प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, फोर टू जाए एट, एट ऑक्सीजन हो गया, एट ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन इज माइनस टू। अब ध्यान दीजिए ये जो 12 है, ये डॉट लगा हुआ है, यहाँ भी तो डॉट ही है, ये भी तो डॉट ही है, डॉट की जगह हम प्लस करते हैं, ये डॉट ही है, पोटेशियम एल्युमिनियम के बीच में क्या है भाई, डॉट ही तो है, तो डॉट की जगह हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ भी डॉट लगा है तो यहाँ भी प्लस कर दीजिए, सीधी बात भाई, इसमें डॉट विजिबल है, इनमें डॉट विजिबल नहीं है। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए ये 12 हो गया, और ये न्यूट्रल लिगेंड से H2O, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो ही होता है, यहाँ पर जीरो कर दीजिए, इक्वल टू जीरो हो गया।
अगर प्लग इन भी करेंगे तो भाई तो हाइड्रोजन का प्लस टू हो जाएगा, बिकॉज टू हाइड्रोजन है ना भाई, एक हाइड्रोजन इज प्लस वन, देन टू हाइड्रोजन इज प्लस टू, ऑक्सीजन इज माइनस टू, प्लस टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तब भी जीरो हो जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप कैलकुलेट करते हैं, ये प्लस वन है, प्लस थ्री है, ये प्लस फोर कर दिया भाई, ये प्लस टू एस हो गया, एट टू जो 16 हो गया, और ये तो जीरो हो गया, इज इक्वल टू जीरो कर लीजिए। ठीक है भाई, यहाँ पर अगर आप देखें 4 दिया है माइनस 16 दिया है, 2s ये कितना हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, तो 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, यहाँ से s इज इक्वल टू प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से, बहुत ही मौज मस्ती के साथ में आसानी से कर सकते हैं।